तो दोस्तों सीजीएल 2022 के फाइनल रिजल्ट के बाद इन पोस्टों का आगे क्या कुछ प्रोसेस रहेगा ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर है, टैक्स असिस्टेंट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ऑडिटर, अकाउंटेंट, डब्ल्यू डिविजनल अकाउंटेंट, पीएस और एमईएस। एमईएस के बारे में दोस्तों थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे क्योंकि इसका जो है प्रेफरेंस फॉर्म जो है आउट हो चुका है। ये सारी पोस्टें दोस्तों है क्या है, रैंक बेसिस है, मेरिट बेसिस है, यानी कि आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, आप लोगों से च्वाइस पूछी जाएंगे कि आप नौकरी कहां पर करना चाहते हैं। उसके बाद वो डिपेंड करेगा कि वहां पर वैकेंसी कितनी है और उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपसे ऊपर वहां उस लोकेशन को मांगने वाले लोग कितने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, पीओ एग्जामिनर, ये पांचों पोस्ट इस डिपार्टमेंट सीबीएसई डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। इनकम टैक्स यानी कि सीबीडीटी इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट की। अगर मैं बात करूं सीजीएल 2021 का, सीजीएल 2021 का दोस्तों फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया था 18 मार्च को, ठीक है 18 मार्च को, और दोस्तों आज होगी 18 मई, यानी कि दो महीने के अंदर अंदर इनसे पोस्ट ट्रांसफॉर्म भी फिलअप कर लिया और उनको यह बता दिया गया कि आपकी ज्वाइनिंग कहां पर होने वाली है। ठीक है, आपकी लोकेशन, यानी कि दो महीने के अंदर अंदर दोस्तों आप लोगों को यह पता लग जाएगा कि आपको कहां पर ज्वाइन करना है। ठीक है, ये चीज दोस्तों पता लग जाएगी इनकी। पीएसए का दोस्तों थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहेगा इनसे, हालांकि पीएसए वाले दोस्तों अभी फास्ट मूड में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्योंकि सीएचएसएल 21 वालों का भी पेंडिंग है और सीजीएल 2022 वालों का भी पेंडिंग है। हो सकता है आपका जो पोस्ट ट्रांसफॉर्म जो है ऑनलाइन ही आपसे फिलअप करवाया जाए इस बार कोई ना कोई पोर्टल निकाल कर। इनका बारे में दोस्तों हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, इनका निकल चुका है पोस्ट ट्रांसफॉर्म। ऑडिटर इनका एक दोस्तों सीजीएल 2021 का भी बताया मैंने आपको, 18 मार्च को आया था, 15 से 20 दिन के बाद इनसे पोस्ट फ्रेंड्स जो फिलअप कर लिए, 10 अप्रैल से जो है इनका, यानी कि लगभग 20 दिन के बाद इनसे पूछ लिया गया था कि आप किस स्टेट में नौकरी करना चाहते हैं। तो यानी कि इनकी अगर मैं बात करूं दोस्तों इन पांच और दो सात पोस्टों के बारे में, तो इनका पोस्ट फ्रेंड्स फॉर्म दोस्तों मैं आपको बताऊं 25 से 30 मई के बीच में आपका जो है आ जाएगा, हो सकता है इससे पहले भी आ जाए। 25 से 30 मई मतलब 30 मई से पहले पहले जो आपका पोस्ट फ्रेंड्स फॉर्म आउट हो जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स ने दोस्तों बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया, मतलब आउट कर दिया था पिछली बार। ठीक है, मतलब एक वीक के बाद हो सकता है कि आपका जो है 25 से पहले ही आ जाइए। ठीक है, इस वीक में आ जाए तो यानी कि इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, 3-4 महीने हम कह सकते हैं। ठीक है, और सीजीएल 22 मूड में, मिशन मोड में, तो भाई अलग कुछ कह नहीं सकते। बाकी जुलाई के अंदर जो है रोजगार मिला है उसके अंदर भी शायद जो है आप लोगों की किसी न किसी की ज्वाइनिंग हो जाए इसके अंदर। ठीक है, तो आगे अगर मैं बात करूं, ये इस तरह से आपका जो है प्रोग्राम चलेगा प्रेफरेंस फॉर्म का, यानी कि सबसे पहले आपका आपको क्या होगा, प्रेफरेंस फॉर्म निकलेगा, यानी कि वो एक वेबसाइट जो इनकी वेबसाइट होगी, अभी क्या करेगा एसएससी जो है सारे डॉक्यूमेंट जो सीबीडीटी में सिलेक्शन हुआ है, जैसे एक्साइज में जिनका सिलेक्शन हुआ है इन पोस्टों पर इन पांचों पोस्टों का जो है क्या करेगा, वो इन इसके बोर्ड को भेज देगा सीबीएसई को, और वो जो है अपनी वेबसाइट पर इनके प्रेफरेंस पूछ लेगा। ठीक है, वो प्रेफरेंस फॉर्म निकलेगा, वो दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डेली डेली आप लोगों से वेबसाइट नहीं खुलने वाली। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जोन, यानी कि जो जोन या स्टेट आपको जो है अलोकेट हो जाएगा कि आपको ये जोन मिला है। उसके बाद क्या होगा, ये जोन वाले क्या करेंगे आपसे, अटेस्टेशन फॉर्म जो है लेंगे ये। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें अपने पर्सनल डिटेल होते हैं, जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी चीजें जो है पर्सनल डिटेल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह हो गया। उसी टाइम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन करवाएगा, जो आपका जोन एलोकेट होगा ना, वही जोन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, जोन का जहां पे हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी दोस्तों उसी टाइम मेडिकल करवा के लेके जाना है अपने, यानी कि लोकल जो होते हैं अपने जिस जहां से आप अभी बिलोंग करते हैं वहां का सिविल हॉस्पिटल से। ठीक है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मेडिकल वगैरह सबका क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या करवा दी जाएगी आपकी ज्वाइनिंग, करवा जैसे ज्वाइनिंग होगी तो आपकी सैलरी स्टार्ट। तो ये इस तरह से दोस्तों पहले चलता था, हो सकता है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो पोर्शन है इसको कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले ही करवा दें। ठीक है, लेकिन लग नहीं रहा कि पहले करवा देंगे तो बहुत ज़्यादा सभी को एक जगह दिल्ली जाना पड़ेगा तो दिक्कत हो सकती है इसमें। ठीक है, ये दोस्तों पीएसए की लास्ट सेलेक्टेड जो है रैंक है। पीएसए में भी क्या होगा, इसके अंदर भी क्या पूछेंगे, पहले पूछेंगे स्टेट। ठीक है, पहले पूछेंगे कि आपसे स्टेट कौन सा, और उस स्टेट के अंदर आपसे होंगे जैसे एक स्टेट को 5-4-5 भागों में डिवाइड कर दिया।
ठीक है, इन भागों में डिवाइड कर दिया। फिर इनसे पूछा जाएगा कि आप जो किस भाग में नौकरी करना चाहते हैं, फिर वो बताएंगे कि इस भाग में नौकरी करना चाहते हैं। फिर वो आपसे सिटी पूछेंगे कि आप किस सिटी में जो है इस भाग में से कहाँ नौकरी करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इसके अंदर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपको जो है अपना जिसका रैंक अच्छा खासा है, तो एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ दोस्तों, जिसका 18 से 20,000 के रैंक के बीच में है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी अपने होम पोस्टिंग लेने में। बाकी सभी को दोस्तों हो सकता है। मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि किसको कहाँ पे मिलेगी, ठीक है, स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। और इसके TA CBDT के बारे में भी एक दोस्तों वीडियो बनाऊंगा, ये जो आपका टैक्स असिस्टेंट एंड CBDT है, जल्दी ही, ठीक है। तो यानी कि इनसे ऊपर जिनका रैंक है उनको बहुत अच्छे खासे चांसेस रहेंगे, ठीक है। जिनका 16,000 से नीचे रैंक है तो वो तो पक्का ही दोस्तों उनको होम पोस्टिंग मिलने वाली है, ठीक है। और जिनका जैसे OBC ये वाला है, अगर किसी कैंडिडेट का 20,221 रैंक है ना, 20,221 रैंक, इसके बीच में नीचे जिसका भी रैंक है वो सारे के सारे सेफ हैं। यानी कि जो दिक्कत आएगी वो सिर्फ 16,000 से लेकर 20,000 जिसका रैंक है उनको दिक्कत आएगी, बाकी किसी का रैंक कहीं पर भी हो कोई दिक्कत उनको नहीं आने वाली है, उनको होम पोस्टिंग मिल जाएगी। बाकी डिटेल में दोस्तों बताऊंगा मैं, थोड़ा सा एनालिसिस मैंने नहीं किया, ये मोटा मोटा वैसे रफ आइडिया सा दिया मैंने आपको। और कैग ऑडिटर के अंदर दो पहले क्या होता था कि 2800 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे में 4200 ग्रेड पे में 3 साल में चले जाते थे, 2 साल में एलिजिबल हो जाते थे कि वो SCS का पेपर दे सकते हैं। तो अब जो है क्या किया कि अब जो है आप 3 साल लगेंगे आपको, ठीक है, 2 ईयर्स के बजाय क्या कर दिया दोस्तों, 3 ईयर्स कर दिया, 3 ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला 3 ईयर्स। तो ये दोस्तों अगर आपने पढ़ना है तो ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023 के नाम से, ठीक है। ये दोस्तों वहां से आप जो पढ़ सकते हैं, ये दोस्तों आपकी विंग है, यानी कि जो कमांड है वो जो आपकी 6 कमांड है कि आखिर जो आपका MES के बारे में बात कर ले हम, SSA MES के बारे में, ठीक है, SSA MES के बारे में कि ये जो 6 कमांड है आखिर किस कमांड में कौन सा स्टेट जो है आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली के ऊपर, तो दिल्ली दोस्तों आता है वेस्टर्न कमांड में। हालांकि इस दिल्ली के दोस्तों जो ये कमांड है और भी, इनके अंदर भी कुछ कुछ जो है दिल्ली के अंदर ऑफिसेज हैं, यानी कि हर कमांड का ऑफिस जो है कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो दिल्ली के अंदर वो है, ठीक है, वो भी मैं आपको PDF दिखाऊंगा। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो सबसे ज्यादा जो वेस्टर्न कमांड के ऑफिस हैं वो दिल्ली के अंदर हैं, ठीक है, वेस्टर्न कमांड को आप फिलअप कर सकते हैं अगर आप दिल्ली के आसपास हैं। फिर दोस्तों सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड में क्या क्या है, UP आ गया, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। फिर दोस्तों साउथ वेस्टर्न कमांड, इसके अंदर आ गया राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ठीक है, गुजरात, दादरा हवेली, ये वाला आ गया, ठीक है। जैसे नॉर्थर्न कमांड है, नॉर्थर्न कमांड में जम्मू एंड कश्मीर आता है दोस्तों, सिर्फ क्या आता है, जम्मू और कश्मीर आता, कहीं नॉर्थ इंडिया भर के आप कहीं सोचो कि मुझे जो है मिल जाएगा इधर, तो जम्मू एंड कश्मीर इसके अंदर आता है, ठीक है। और यानी कि जो पंजाब हरियाणा है दोस्तों वो कहां कहां पर आता है, 2 जगह आ रहा है, वेस्टर्न कमांड में भी आ रहा है और सेंट्रल इसमें साउथ वेस्टर्न कमांड में आ रहा है और वेस्टर्न कमांड में आ रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों देख लेना, ये मैं अभी आपको एक PDF और दिखाऊंगा, उसके अंदर और ज्यादा क्लैरिटी होगी, थोड़ा सा लास्ट में दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, ये आपका पोस्ट ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, यानी कि आप जो है किस कमांड में जाना चाहते हैं, ये नंबर यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों 1, 2, 3। जैसे मान लिया अगर आप दिल्ली से हैं, ठीक है, दिल्ली से, और आपने क्या बना वेस्टर्न कमांड, यानी कि यहां पर क्या करेंगे हम, वेस्टर्न कमांड भर देंगे, वेस्टर्न कमांड, ठीक है। ये दोस्तों आपने भर करके और फिर CEWC कर देना, तो इसको करके आपने ये 6 के 6 ऐसे भरने हैं प्रेफरेंस में, इसको आपने भेजना कहां पे है, दिल्ली, ठीक है। द अबो फॉर्म ड्यूली फाइल्ड विद चॉइसेज इन एस्पेक्ट विल सेंड ऑन द फॉलोइंग, कब तक भेजना, ये 1 महीने का इसके अंदर टाइम दिया गया, यानी कि 16 जून से पहले पहले, कोशिश करना भाई 10 जून से पहले पहले ये पहुंच जाए। अगर आप कहीं से भी हैं तो यानी कि आप जो है 3-4 जून को जो है अपने स्पीड पोस्ट इसको जो दोस्तों कर दें, ठीक है, 3-4 जून को ये स्पीड पोस्ट कर दें, इससे ज़्यादा लेट मत करना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से जो है भर लेना है। इसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, रोल नंबर, रैंक लिस्ट, पोस्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जो है आपने डालना है यहाँ पर, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दोस्तों एक और मैंने जो है ऑफिशियल वेबसाइट, जो इनकी वेबसाइट MES की, यहाँ से निकाला है कि ये सेंट्रल कमांड है, इन सेंट्रल कमांड में कौन कौन से ऑफिस आते हैं, जैसे लखनऊ है, बरेली है, जबलपुर है, प्रयागराज है, दिल्ली है, हैदराबाद है, वे ये नागपुर है, ये जैसे किस में आ गए, सेंट्रल कमांड में, ठीक है। ये इसी तरह ये क्या है दोस्तों, ईस्टर्न कमांड के हैं ऑफिस हैं, ठीक है, कलकत्ता है, गुवाहाटी, शिलोंग है, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, कलकत्ता,
और रिप्रोब्रेन रोड दिल्ली, ठीक है। यानी कि ये इस तरह ये सारी चीजें आपको दोस्तों कहां मिलेंगी, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा दोस्तों, कहां पर, यहां पर अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023, यहां पर मैंने कुछ चीजें डाल भी दी हैं, वो एक और पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों अभी। तो ये दोस्तों मैंने डाल रखी है यहां पर अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023 के नाम से, अपने 26020 के अंदर मेंबर जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूं, इसके अंदर देखेंगे आप, इसके अंदर सभी कमांड्स का रखा है, अंडर वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड के अंदर कौन कौन से आते हैं, दिल्ली कैंट है, ठीक है। इसके अंदर ये अलग अलग है, सीई चीफ इंजीनियर इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं डिटेल में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिल्ली कैंट है, ये देखो आप दिल्ली, यानी कि ज्यादातर जो ऑफिस हैं वो वेस्टर्न कमांड के, वेस्टर्न कमांड के वो दिल्ली के अंदर हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक दिल्ली के अंदर सिर्फ एक ही कमांड के ऑफिस है, ऐसा नहीं है, सभी कमांड के ऑफिस जो दिल्ली के अंदर हैं, यानी कि दिल्ली भी आपको मिलने के बहुत अच्छे खासे चांसेस इसके अंदर रहेंगे। फिर है ये दोस्तों चंडीगढ़ जोन आ गया, ठीक है, वेस्टर्न कमांड के अंदर। फिर ये अंबाला आ गया, ठीक है, अंबाला भी कैंट है। शिमला आ गया, ठीक है, पटियाला आ गया। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दिल्ली, ये नागपुर है, ये इधर और भी है, चंडीगढ़ है, अंबाला है। तो ये इस तरह से आपने जो फिलअप करनी है, ठीक है, चिंता की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको जो है ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2000, ये पीडीएफ भी यहाँ पे मैंने डाल दी है, यहाँ से आप जो है आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। हर एक अपडेट दोस्तों इसमें आपको दूंगा सीजीएल 2022 वालों को, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। जिसके भी पोस्ट फ्रेंड्सफॉर्म निकलेंगे या जो भी अपडेट्स आएंगी, वो सारी की हर चीज के लिए दोस्तों वीडियो तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पे डाल दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतने दोस्तों, थैंक यू।